हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी एडमिशन ऑफ पार्टनर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 का वीडियो है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप हमारा होप्स हो पिछला वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मैंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बताया, जहाँ पार्टनरशिप डीड उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, ये सब चीज़ जहाँ डिस्कस किए। आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर 3 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी एडमिशन ऑफ द पार्टनर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक ये है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन पार्टनरशिप फर्म। इसमें भी हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या है ये हम जानते हैं, फिर भी आइए मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन दैट इज कॉल्ड वी कॉल्ड पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल और एनी चेंज इन द, मतलब पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आएगा, मतलब आइए अब हम देखते हैं। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, दिस रिजल्ट इन द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इन टू द बिलोंग विद ए चेंज रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और देयर कॉम्पोजिशन। तो इसलिए हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ता है अगर हम कुछ कोई भी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर्म में, फर्म को मनी चाहिए, और पार्टनर सोचता है कि भैया कोई और बंदा आए जो हमारे फर्म में पैसा लगाए और फिर हम बिजनेस करें, तो इसलिए भी हमें एडमिशन ऑफ द पार्टनर जरूरी है। तो आइए अब मोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक इसमें देखते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 17-20% कवरेज ऑफ मार्क्स इसी से रहता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है पार्टनरशिप मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या है, बहुत सारे के मोड्स है। बेसिकली हमें सबसे पहला देखना है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमारा जो फर्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर हमें क्यों लाना होता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि न्यू पार्टनर को हम एडिशनल कैपिटल या मैनेजरियल हेल्प अगर हमें चाहिए तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। आइए हम लिखते हैं, इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प। और इसमें एक चीज और है कि हम जो न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे
ये पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा और एडमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा तो ही हम इसे एडमिशन देंगे, मतलब न्यू पार्टनर को एडमिशन करेंगे। उसको भी लिख लेते हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप। एक्ट 1932 अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इन दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सॉरी 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 अदरवाइज इट इज प्रोवाइडेड इन दी पार्टनरशिप डीड। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली वेन एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री फॉर इट। तो ये हुआ हमारा। सपोज इसमें भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है जब हमारा चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। तो हमारा सेकंड है चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एक तो हमारा ये भी रीजन है, तो आइए अब इस रीजन को भी देखते हैं। समटाइम The partner of a firm may decide to change their existing profit sharing ratio PSR This may happen on account of a change in the existing partner role in the firm. तो इसलिए भी चेंज इन दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और हमारा क्यों होता है, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्यों करते हैं? पहला हो गया एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, दूसरा हो गया चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तीसरा है हमारा रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है तो भी हम चेंजेस लेके आएंगे। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब हम फ्रेंड्स ये तो अभी थ्योरी देख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब हम समझेंगे कि हाँ सही में हम ये सब चीज कर रहे हैं तो हमारा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, पार्टनरशिप का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो रहा है। इट मीन्स
विड्रॉल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म which may be due to his bad health या old age or might be sometime change in business interest. तो भी हम पार्टनर रिटायर होता है, ये सारे बहुत सारे रीजन हैं पार्टनर रिटायर होने के, या इनफैक्ट पार्टनर कैन रिटायर, इनफैक्ट पार्टनर कैन रिटायर, पार्टनर कैन रिटायर एनी टाइम इफ द पार्टनर शिप इज एट विल, मतलब पार्टनर कभी भी चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है इफ पार्टनरशिप डीड परमिट करता है तो, या तो फिर पार्टनर रिटायर तभी लेगा जब उसका या बैड हेल्थ हो या ओल्ड एज हो या उसका चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट हो, कुछ भी मतलब उसके अकॉर्डिंग बिजनेस नहीं चल रहा हो तो वो भी पार्टनर ले सकता है। और क्यों लेगा, और क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का रीज़न है? और एक रीज़न है भैया, डेथ हो गया किसी का, पार्टनर का डेथ हो गया तो भी तो होगा, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भैया कोई भी पार्टनर है, या तो नया आ रहा है या वो जा रहा है, तब होगा चेंज, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है या चेंज कर रहा है पार्टनरशिप डीड में तो होगा। पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ ओनली इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म एज यूजुअल। पार्टनर्स का अगर डेथ हो जाता है, अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर जो बचते हैं उनको लगता है कि उन्हें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, अदरवाइज वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा अगर पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो ब्रेक ऑफ पार्टनरशिप डीड भी हो जाता है अगर डेथ ऑफ द पार्टनर होता है तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम अगले वीडियो पे आपके साथ में और भी इंटरेस्टिंग, जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो का भी टॉपिक लिख देता हूं, तो आप थोड़ा पढ़ के भी रहें थ्योरी, तो आपको वीडियो समझने में और आसानी होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और मैं थोड़े फास्ट वे में अब मूव ऑन करूंगा। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में होगा, पार्ट टू का वीडियो में होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम स्टे सेफ फ्रेंड्स। आज अमिताभ बच्चन सर भी हमारे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनकी, उनकी हेल्थ गुड हेल्थ के लिए भी हम प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहें, घर पे ही पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।